इतना ना समझते हुए, लेकिन साथ में मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। और दुख क्यों हो रहा है कि हम जब भी पिक्चर देखने जाते हैं, चाट पकौड़े खाने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, तो अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, लेकिन रात के दरबार में कोई भी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं लाया। यह हम सनातनियों की सबसे बड़ी एक हार है। यही से हमें लगता है कि देखिए हमारे भारतवर्ष में 125 करोड़ सनातनी है। कितने हैं? 125। ये भ्रांति फैलाई जाती है कि ये 40 करोड़ है या 30 करोड़ है। नहीं, ये केवल 15 करोड़ है। हमें डराने के लिए अपना संख्या बताते हैं, लेकिन 125 करोड़ में लगभग 50% पुरुष है और 50% महिला बच्चे भी है उसमें। अब आप बताइए कि राम के दरबार में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आते सनातनी घरों में बैठे हैं, तो कैसे आपका सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है? बताइए मैं गलत हूँ? जय श्री राम बोल के अपना संबोधन कीजिए ना, कि जय श्री राम बोल के भी नहीं आए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में एक कार्य नहीं है, हजारों कार्य हैं, लेकिन हर शहर में अगर कोई गौ सेवा में लग रहा है तो सभी गौ सेवा करेंगे, कोई लव जिहाद में लग रहा है तो सभी लव जिहाद के लिए लड़ेंगे, लेकिन हर संगठन में एक विंग, एक टीम होनी चाहिए जिसमें अलग अलग टीम का अलग अलग कार्य होना चाहिए। कोई टीम लव जिहाद के लिए कार्य करे, तो कोई टीम गौ सेवा के लिए, तो कोई तुम्हारे देवी देवताओं पे हील उठाने की चेष्टा करता है, उसकी कदर उड़ाने का भी कार्य करेगी। तो अलग अलग कार्य करेंगे तो हमारे सनातन धर्म को प्रचार प्रसार से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, 125 करोड़ सनातनी, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई जा रही है, लेकिन कुछ ही चंद लोग हैं जो अपनी तन मन धन से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं। जैसे उनमें से हमारे फरीदाबाद का शेर बिट्टू बजरंगी, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ये बिट्टू बजरंगी रक्षा मंत्री को नजफगढ़ दहली से एक और मंच पर आएंगे। जय श्री राम।